हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो सपोज करो कि ये जो क्वेश्चन है आपका जेई मेंस में आ चुका है और इसको आपको स्पीड के साथ कम टाइम में सॉल्व करना है, क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना है कि अगर आप जेई का तैयारी करते हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो आपको सबसे पहला जो है प्लानिंग के साथ आपको प्रिपरेशन करना है। प्लान कीजिए, अगर आप, मैं जेई की बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेशली, अगर आप जेई का तैयारी कर रहे हो तो पहला तो हो गया प्लानिंग, सेकंड हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे आपको इक्वल टाइम देना है, थर्ड हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए एवरी चैप्टर का, फोर्थ हो गया कि आपको लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है आपको जो चैप्टर आपका फिनिश होता है। उसके बाद वाला पाँचवा स्टेप है कि स्पीड के साथ कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। मैक्सिमम 4 मिनट आप सेट कर लीजिए, माइंड में फिट कर लीजिए, मैक्सिमम 4 मिनट के अंदर ही किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, इतना आप प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद है रिजल्ट। तो किसी क्वेश्चन को स्पीड के साथ कम टाइम में सॉल्व करने के लिए आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे रिजल्ट है मैथमेटिक्स में, उसको आपको याद रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसा कौन सा रिजल्ट है जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो देखिए, आपके पास ए निकालना है, नेचुरल नंबर है, और आपके पास ए गिवेन है, और आपके पास देखिए ए फंक्शनल इक्वेशन ऐसा कुछ दे दिया। अब यहाँ से आपको फंक्शन डिटरमाइन तो करना ही करना है, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी आपको देखता है तो यहाँ पे फंक्शन डिटरमाइन करना आपका नेसेसरी होता है। तो देखिए, ये जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन डिटरमाइन करूंगा तो एफ एक्स का वैल्यू 0 आ सकता है या फिर बी टू द पावर एक्स। ये मुझे रिजल्ट याद था, मैंने लिख दिया, वरना इसी को आप एफ डैश एक्स इक्वल टू करके प्रोसीड करते आप, ठीक है, या फिर और भी मेथड से, पर डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो लिख दिया ना, वी आर बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब तो हमने फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू बी टू पावर एक्स लेंगे, 0 तो ले सकते हैं, वरना पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर जाएगा, ठीक है। अब बी निकालने के लिए मेरे पास ये दे दिया, एक्स का वैल्यू 1, यानी कि एक्स का वैल्यू अगर 1 पुट कर दूं तो एफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा दिस, विच इज इक्वल टू 2, यानी कि मेरे पास बी का वैल्यू कितना आ गया 2। तो लो, मेरे पास फंक्शन आपका आ गया, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टू द पावर एक्स। लो, हमने फंक्शन डिटरमाइन कितना आसानी से कर लिया, ओके। अब हमें ए निकालना है, तो उसके लिए हमें ए वाला तो यूज करना ही पड़ेगा। तो देखिए, एफ ए प्लस के गिवन है क्या, और एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस गिवन है, तो क्यों ना इसको प्रोडक्ट में लिख लिया जाए। तो देखिए, तो समेशन यहाँ पे के इक्वल टू 1 और दिस, तो एक्स की जगह ए है, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे एफ ए, एंड यहाँ पे लिखेंगे एफ के विच इज इक्वल टू 16, और यहाँ पे लिखेंगे 2 टू पावर 8 -1, ठीक है। अब देखिए, एफ ए इसके लिए समेशन के लिए एक कॉन्स्टेंट है, तो एफ ए को हम लोग बाहर कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए, के का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, तो पुट कर लें क्या, तो एफ 1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे एफ 2 लिखा हुआ है, प्लस डॉट डॉट प्लस, कहाँ तक जाएंगे हम लोग, एफ एन तक जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम एन तक है, विच इज इक्वल टू 16, और ये मेरे पास ए गिवन है, राइट। अब एफ वन का वैल्यू, एफ ए का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल नहीं लेंगे, ठीक है। तो एफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 8, एफ वन कितना हो जाएगा 2, देन एफ टू हो जाएगा दिस, और ये हो जाएगा दिस, प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे हो जाएगा दिस, विच इज इक्वल टू 16, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास दिस, राइट। देखिए, क्वेश्चन आपको देखकर क्या लगा था कि फंक्शन का क्वेश्चन है ना। और ये देखिए, अब यहाँ पे यूज होने वाला है, ये आपका जीपी हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, हम ये समझते हैं। और कॉमन रेशियो कितना होता है 2 स्क्वायर अपॉन t, यानी 2 स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि r इक्वल टू कितना हो गया दिस, दिस अपॉन दिस 2 ही आ रहा है, मतलब कॉमन रेशियो 2 है, तो ये जीपी में सीक्वेंस बन गया, राइट। तो फॉर्मूला पता है ना आपको, तो ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर एन माइनस 1 विच इज इक्वल टू ए एंड दिस डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 वी आर आर नॉट इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है, अप्लाई कर दीजिए। तो 2 टू द पावर 8 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म आपका दिस, कॉमन रेशियो 2, 2 टू द पावर 8 -1 डिवाइडेड बाई 2 -1 विच इज इक्वल टू 16, और यहाँ पे हो जाएगा दिस। आपको निकालना क्या ये, तो डायरेक्ट आप यहाँ से गैप कर दो, सब 2 -1 1 हो गया, ये आपका यहाँ पे 8 हो गया, यानी कि 2 टू द पावर 8 इक्वल टू दिस, तो एज वल्टू कितना हो जाएगा 3, हमारा आंसर आ गया। तो देखिए, अब ये हो गया। तो मैंने तो इतना स्टार्टिंग में आपको कुछ बोला, कुछ बताया, तब तो टाइम लगा ना, वरना इस क्वेश्चन को टाइम करने में मैक्सिमम 1.5 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। 1 मिनट में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आपका सब फॉर्मूला याद है और कैलकुलेशन आपका सही है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम पर अभी प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।